हैप्पी रक्षाबंधन। रिया बहुत खुश थी, आज राखी है और अपने भाई धीरज को राखी बांधेगी, अपने हाथों से मिठाई खिलाएगी और भाई की हर खुशी के लिए दुआ करेगी। धीरज के मन में रिया के लिए बहुत प्यार था, वह रिया का बहुत ख्याल रखता था। साथ पढ़ना, साथ खेलना और साथ में स्कूल जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मम्मी पापा भी दोनों का प्यार देखकर बहुत प्रसन्न रहते। इस रक्षाबंधन में धीरज और रिया दोनों कुछ स्पेशल करना चाहते थे। धीरज ने सुबह सुबह रिया संग मिलकर एक आम का पेड़ लगाया। पेड़ लगाकर दोनों खूब खुश हुए। इस राखी में धीरज अपने पॉकेट मनी से बचाए पैसों से रिया को गिफ्ट करना चाहता था। वहीं रिया ने भी अपने गुल्लक में जमा किए पैसों से राखी और मिठाई खरीदी थी। धीरज ने गुल्लक में रखे पैसे निकाले और मार्केट जाकर एक सुंदर सा टेडी बियर लाया। उसने रिया को यह गिफ्ट दिया और उससे राखी बंधवाई। दोनों ने एक दूसरे को हैप्पी रक्षाबंधन बोला। हर राखी में मम्मी पापा राखी, गिफ्ट और मिठाई खरीद कर लाते थे। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने पैसों से राखी और गिफ्ट खरीदी थी। रिया भी गुलक के पैसों से खरीदे टेडी बियर पाकर बहुत खुश हुई और अपनी सारी सहेलियों से धीरज की तारीफ की। पापा मम्मी भी धीरज रिया के इस फैसले से गर्व महसूस कर रहे थे। इस रक्षाबंधन में धीरज रिया द्वारा पेड़ लगाना और गुलक की छोटी सी बचत से एक दूसरे के लिए राखी और उपहार खरीदना उन्हें सम्मान महसूस करा रहा था। धीरज और रिया को गले से लगाकर मम्मी पापा ने आशीर्वाद दिया और दोनों की जमकर प्रशंसा की। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाना चाहिए। हम बच्चों को धीरज रिया की तरह छोटी छोटी बचत की आदत डालनी चाहिए ताकि समय आने पर उसका सही उपयोग हो सके। एक छोटी सी जिम्मेदारी का एहसास